और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज भरत की तपोस्थली आज नारी शक्ति बंधन का एक सशक्त संदेश बन गया। अवसर था 9 दिवसीय भरत कुंड महोत्सव के प्रथम दिन का। नारी सशक्तिकरण की समर्पित इस महोत्सव में प्रथम दिन 11,000 महिलाओं ने एक बड़े स्तर पर दुर्दरिया पूजन किया, जिसमें अवसानी मैया से परिवार के साथ ही संपूर्ण देशवासियों के कुशल की कामना की गई। आयोजकों ने बताया कि 9 दिवसीय भरत कुंड महोत्सव में नित्य होने वाले कार्यक्रमों सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संदेश पर आधारित रहेंगे। आज का कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण को समर्पित है, जिसमें बड़ी संख्या में नारी शक्ति ने प्रतिभाग करके नारी शक्ति के उत्थान और समाज में बराबरी की भूमिका निभाने का संदेश दिया है। आज ये भरत कुंड महोत्सव चल रहा है 9 दिवसीय, उसके अंतर्गत दुर्दुर्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 7,000 मात शक्तियों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। और इस आमंत्रण को सभी मात शक्तियों ने सहर्ष स्वीकार भी कराया, जैसे कि आपको भीड़ दिखाई पड़ रही है। और इसमें माँ जो अवसानी मैया है उनकी पूजा की जाती है और अपनी मन की इच्छा को मांगा जाता है। देखिए, आज भरत जी की तपोस्थली पर ये भरत कुंड महोत्सव का आयोजन जो किया गया है, उसके अंतर्गत दुर्दुर्या पूजन का कार्यक्रम था। और कहीं न कहीं ये महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है, उसी को आत्मसात करते हुए, और ये कार्यक्रम जो अनवरत हर वर्ष होता रहता है, और वर्षों से जब से ये भरत कुंड महोत्सव हो रहा है तब से ये दुर्दुर्या पूजन का कार्यक्रम चला आ रहा है। हम लोग आज बृहद दुर्दुर्या पूजन कार्यक्रम जो 11,000 मात शक्तियों द्वारा पूजन किया जा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, उसको हम लोग आयोजित करवा रहे हैं। और हमारा महोत्सव 9 दिन चलेगा, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ धार्मिक, सामाजिक और संदेश देने वाले कार्यक्रम, जो समाज को संदेश देने वाले हैं, उन कार्यक्रमों का आयोजन होगा।